सोच रही थी आप क्या बात कर रहे हैं, ये बुराई के लिए उकसाया किसने? आप लोगों ने। अब आप ये कहेंगे कि मैं सोनिया तो गलत बात करी, सोनिया हमें कह रही है कि हम लोग हम क्या करें, हम जब वो इस तरह की चीजें बना रहा है तो हम तो इसमें शामिल नहीं है, हम तो रिजेक्ट करते इस तरह की चीजों को, हम तो अपने बच्चों को नहीं कहते कि देखें। लेकिन लेकिन मैं अगर आप नहीं देखते तो आप शायद नहीं देखते हो, लेकिन 80% मैं आई बिलोंग टू द सेम फील्ड और मुझे पता है कि हाउ इट वर्क्स। 80% लोग आप में से उस चीज़ वेयर चीज़ को देखते हैं, अपने कुलीग को दिखाते हैं, आप आके व्हाट्सएप पे या दूसरे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है उस पर आप शेयर करते हैं, वो चीज़ वायरल होती है, तो कहीं ना कहीं जाके आप उसकी उसको प्रमोट करने का, उसी प्रमोशन का हिस्सा बन रहे हैं। कहने को तो ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो जनरेटर था, धुआं हो गया और उससे उनकी मौत वाकई हो गई फौरन से। और लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ ना तो ये सिर्फ एक बहाना होता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दफ़ा अगर उसमें चले गए तो आप पानी भी पियेंगे ना उसका, उस वो पानी कहीं आपकी सांस की नाली में फंसेगा और आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर से जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई है, आपके अंदर से वो होप ख़त्म हो गई है, आपके अंदर से उमंग ख़त्म हो गई है कि अच्छा अब कल कुछ होगा नया और कुछ अच्छा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं एक नई ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाऊँगा। क्योंकि हर वक्त हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वाक़ियात से गुजर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हम कहते हैं ये तो क्या हो गया अब ज़िंदगी में हमारे साथ और अब इसके बाद तो बस कुछ बाकी ही नहीं बचा, लेकिन वो ज़िंदगी में जीने की होप हमें फिर से अगले दिन सूरज निकलने के साथ साथ हमें खड़े करने की एक उमंग देती है। जब आपके अंदर से वो ख़त्म हो गई तो फिर तो कोई भी चीज़ बहाना बन सकती है, तो जनरेटर क्या कुछ भी बहाना, फिर तो आपका सोना आपका बहाना बन सकता है ज़िंदगी जाने का। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इनकी मौत इस तरह नहीं हुई है, ये हम सबको क्लियर है कि ही वॉज अंडर सो मच प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत डिप्रेस थे और एक ऐसा इंसान जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, तो कहता था कि कोई मेरे बारे में कोई भी बात करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपना काम करना है और लोग तो बातें करेंगे, लोगों को तो काम में बातें करना, जो इंसान खुद अपने मुंह से बात कहता था।